हेलो एंड वेलकम एवरीवन, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, और है मेरा आप सभी को प्रणाम। तो चलिए हम देखते हैं। तो दोस्तों, आपने क्या कभी रियलाइज़ करा है कि आईपीएल में इतना पैसा आता कहाँ से है? कहाँ से जो फ्रेंचाइजीज हैं आईपीएल की, वो पैसा कमाती हैं? कैसे वो प्लेयर्स को इतना सारा पैसा देती हैं जो वो बिडिंग में खरीदती हैं? क्या आपने कभी सोचा है इन सब चीज़ों के बारे में कि कैसे चलता है इतने करोड़ों का बिजनेस, और कैसे आपका जो टाइम है वो कितना कीमती है, किस क्या आपने कभी सोचा है? तो आज इस वीडियो को आप एंड तक देखिए। मैं इसमें बताऊंगा आपको कि कैसे फ्रेंचाइजीज आईपीएल के पैसा कमाते हैं, कैसे वो प्लेयर्स को देते हैं, प्लेयर्स कहाँ से पैसा कमाते हैं, और कैसे ये करोड़ों का हिसाब किताब चलता है, और आपके टाइम की कीमत जो आपको खुद नहीं पता है वो मैं आपको बताने वाला हूँ आज इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, शाहरुख खान है आईपीएल के सबसे बड़े बिगेस्ट ब्रांड, और विराट कोहली है आईपीएल के सबसे बड़े बिगेस्ट प्लेयर। लेकिन सवाल उठता है कि कहां से हैं ये बिगेस्ट, कैसे कमाते हैं ये बिगेस्ट, या फिर कैसे बने हैं ये बिगेस्ट आईपीएल के ब्रांड और प्लेयर्स। तो चलिए देखते हैं कि कहां से आईपीएल की फ्रेंचाइजी, जैसे कि शाहरुख खान हो गए, प्रीति जिंटा हो गए, या फिर हो गए डीएलएफ, कहां से ये कमाते हैं इतना सारा पैसा। तो देखिए, सबसे पहला जो इनका इनकम का सोर्स होता है वो होता है जो भी ऑफिशियल आईपीएल का स्पॉन्सर होता है। जैसे कि आपने सबसे पहले जो आईपीएल आया होगा उसमें आपने देखा होगा, उन दिनों चलते थे कि डीएलएफ आईपीएल, हीरो होंडा आईपीएल, होंडा आईपीएल, ऐसी वीवो आईपीएल। तो यहाँ पे जो सबसे जो ऑफिशियल स्पॉन्सर होता है वहाँ से बीसीसीआई को पैसा मिलता है, और बीसीसीआई उसका 60% ऑनर्स में बांट देती है, क्योंकि बीसीसीआई जो है नो प्रॉफिट नो लॉस के बेस पे काम करती है। तो यहाँ पे वीवो आईपीएल से काफ़ी पैसा आता है, वीवो आईपीएल को काफ़ी पैसा देता है स्पॉन्सरशिप का। उसी के साथ सब स्पॉन्सर भी होते हैं, जैसे कि 2016 में थे वोडाफोन, या फिर थे आपके येस बैंक। तो ये सारे जो हैं ये बीसीसीआई को पैसा देते हैं, और बीसीसीआई आगे जो फ्रेंचाइजीज होते हैं उनमें पैसा बांट देता है। तो सबसे पहला सोर्स ऑफ इनकम है फ्रेंचाइजी का कि स्पॉन्सरशिप, मतलब कि जो ऑफिशियल स्पॉन्सर है आईपीएल के। ध्यान रहे दोस्तों, यहाँ पे मैं ऑफिशियल आईपीएल स्पॉन्सर की बात कर रहा हूँ, आगे भी हम देखेंगे कि कौन कौन से एक्स्ट्रा स्पॉन्सर मिलते हैं आईपीएल फ्रेंचाइजीज को। तो दूसरे नंबर पे जो पैसे का ऑप्शन है, जो फ्रेंचाइजी जहाँ से पैसा कमाते हैं, वो है ब्रॉडकास्टिंग राइट्स। तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि ब्रॉडकास्टिंग राइट्स जिसके पास होते हैं, लाइक सोनी, या फिर आजकल है स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के पास, तो यहाँ पे वो जो टीवी चैनल्स हैं जिसके पास ब्रॉडकास्टिंग राइट्स हैं वो बीसीसीआई को पैसा देती है, और अगेन बीसीसीआई जो है वो ऑनर्स में बांट देता है कुछ चंक ऑफ मनी। तो यहाँ पे ये जो पैसा होता है ये करोड़ों का होता है, ये लाखों का नहीं होता, ये करोड़ों का होता है, और करोड़ भी छोटे मोटे नहीं। अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पर बताऊँ तो आपको 2017 में सोनी ने बीसीसीआई को 82 करोड़ रुपये दिए थे उसके ब्रॉडकास्टिंग राइट्स के। तो आप उम्मीद लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा ये पैसा घूमता है। तीसरा जो सोर्स होता है फ्रेंचाइजीज की इनकम का, वो होता है उनकी जो खुद की स्पॉन्सरशिप होती है, जो कि जिसे हम बोलते हैं डेडिकेटेड स्पॉन्सरशिप। जैसे आपने देखा होगा कि यहाँ पे जो प्लेयर्स टी शर्ट्स पहनते हैं उन पे लिखा होता है पेटीएम, उन पे लिखा होता है जियो, उन पे लिखा होता है एयरटेल, वोडाफोन, एक्सेट्रा वगैरह वगैरह, पान पराग। तो यहाँ पे ये जितनी सारी कंपनीज हैं ये डायरेक्टली आईपीएल के ऑनर्स को वो पैसा देती हैं स्पॉन्सरशिप का। तो इसलिए आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस ऑनर की जितनी ब्रांड वैल्यू ज़्यादा होगी उसको उतना ही पैसा ये मिलेगा। तो यहाँ पे इसीलिए जो सबसे पहला आईपीएल हुआ था उसमें केकेआर की जो टीम थी वो काफ़ी फ्लॉप गई थी परफॉर्मेंस वाइज, लेकिन फिर भी अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो शाहरुख खान उसमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट उन्होंने कमाया था। जो अगला सोर्स ऑफ इनकम है वो होता है स्टेडियम टिकट्स। जी हाँ गाइज, अगर स्टेडियम टिकट जैसे कि शाहरुख खान है उनका केकेआर है, तो यहाँ पे बंगाल में अगर मैच होता है तो स्टेडियम की टिकट्स का जो हिस्सा है वो शाहरुख खान को मिलता है। ना सिर्फ टिकट, स्टेडियम में जो भी चीज़ें आप देखते हैं जितनी मर्जी, चाहे वो हो ड्रिंक्स, चाहे वो फूड, चाहे वो फ्रेंचाइजीज, चाहे वो मर्चेंटाइज लाइक टी शर्ट्स वगैरह वगैरह, उन सब का जो हिस्सा है वो शाहरुख खान लेता है अपनी इनकम के तौर पर। अब जो अगला अगर हम इसकी बात करें इनकम की, तो वो आती है हमारे आईपीएल के प्राइजेज। यहाँ पे गाइस ध्यान देने वाली बात ये है कि जो टीम जितना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगी उसको उतने ज़्यादा प्राइज मिलेंगे। और अगर हम प्राइज की बात करें तो यहाँ पे पिछले साल जो विनर्स की टीम थी उसको मिले थे 20 करोड़, और जो सेकेंड रनअप आई थी उसको मिले थे 11 करोड़। तो ये भी जो है ये आईपीएल के फ्रेंचाइजीज की कमाई का एक पार्ट है।
तो ऐसा नहीं है कि इनकी खाली कमाई कमाई होती है, नहीं तो ये तो फिर पता नहीं सारे ही मैं खुद ओनर बन जाऊँ यार आईपीएल का, ऐसा नहीं है। खर्चे भी होते हैं, ये खर्चे भी मोटे होते हैं। तो चलिए एक बार नज़र डालते हैं खर्चों पे भी, तो क्या होते हैं आईपीएल फ्रेंचाइजीज के खर्चे, तो चलिए देखते हैं उसे एक बार। तो यहाँ पे जो सबसे पहला जो खर्चा होता है वो होता है प्लेयर्स के ऊपर, कोचिज़ के ऊपर, सपोर्टिंग स्टाफ के ऊपर। तो यहाँ पे जो भी बिडिंग अमाउंट जो आईपीएल के जो फ्रेंचाइजीज हैं वो बिड करते हैं प्लेयर्स को खरीदने के लिए, वो उनको पे करने पड़ते हैं एज अ प्लेयर रिन्यूमरेशन। मतलब प्लेयर्स की वो सैलरी है, सपोर्टिंग स्टाफ की वो सैलरी है, या फिर हम कह सकते हैं कि जो भी स्टाफ काम कर रहा है एक टीम को मैनेज करने में, उसकी सैलरी उन्हीं फ्रेंचाइजीज को देनी पड़ती है यहाँ पे। दूसरा जो सबसे बड़ा खर्चा आता है वो आता है प्लेयर्स की फ्लाइट का, प्लेयर्स के होटल का। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि हर एक मैच में इतने सारे प्लेयर्स ट्रैवल करते हैं, इतने सारे प्लेयर्स होटल में रुकते हैं। अब ये होटल भी कोई ऐसे मतलब इक्के दुक्के या फिर एक कमरे वाले तो होते नहीं हैं, ऑब्वियसली ये फाइव स्टार ही होते हैं। अब कोहली फाइव स्टार से नीचे तो बात ही नहीं करता, तो भाई उसको फाइव स्टार में रुकाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो सारी की सारी टीम ट्रैवल करती है, जो सारी की सारी टीम होटल्स में रहती है, उसका जो खर्चा होता है वो भी फ्रेंचाइजीज ही उठाता है। तो ये खर्चा काफ़ी छोटा मोटा नहीं होता, ये काफ़ी मोटा खर्चा होता है कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब हर एक प्लेयर्स की फ़्लाइट की टिकट, होटल की टिकट, होटल रूम का खर्चा कितना होता होगा, इससे आप खुद ही एक मतलब आइडिया ले सकते हैं उस चीज़ से। अब हम नेक्स्ट खर्चे की बात करते हैं, तो वो ये है कि क्रिकेट एसोसिएशन को भी खर्चा देना पड़ता है। तो हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे शाहरुख खान का मैच हो रहा है ईडन गार्डन में, तो ऐसे में जो बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन है उसको शाहरुख खान कुछ पेमेंट करेगा ताकि वो जो अपने मैचेस हैं होम मैचेस वो ईडन गार्डन में करवा सके। तो ऐसे में ये खर्चा भी काफ़ी ज़्यादा होता है और ये पूरा का पूरा फ्रेंचाइजीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब हम नेक्स्ट खर्चे की बात करते हैं जो कि होता है प्री एज वेल एज आईपीएल के दौरान भी और आईपीएल के पोस्ट भी, उसे बोलते हैं मार्केटिंग का खर्चा। मार्केटिंग का खर्चा एक ऐसा खर्चा है जो नज़र कहीं नहीं आता लेकिन होता बहुत है। तो गाइज मार्केटिंग में जितना मर्जी खर्चा आप बढ़ा सकते हैं, जितना मर्जी खर्चा हर एक फ्रेंचाइजीज उसमें अपना लगा सकता है। मार्केटिंग में आता है आपका जितने भी एड्स चलती हैं, जितने भी इवेंट्स ऑर्गेनाइज होते हैं आईपीएल लॉन्चिंग के या फिर आईपीएल लॉन्चिंग से पहले, या फिर जितने भी मतलब अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे जितनी भी मार्केटिंग की जाती है प्रिंट मीडिया में या फिर टीवी मीडिया में, उसका जो खर्चा होता है वो भी फ्रेंचाइजीज ही उठाता है। तो यहाँ पे बात करते हैं कंक्लूजन की गाइस। तो कंक्लूजन यही है कि जितनी ज़्यादा टीम स्ट्रांग ब्रांड होगा जिस टीम का, वो टीम उतना ही पैसा कमाएगी, और स्ट्रांग ब्रांड बनता है टीम के जीतने से। तो इसीलिए जो फ्रेंचाइजीज होते हैं वो चाहते हैं कि हमारी टीम एटलीस्ट सेमीफाइनल्स में जाए और हमारा जो खर्चा है वो निकाल पाए। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आपकी फेवरेट टीम इस बार की कौन है। आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें लिख के बताएं कि आपका फेवरेट प्लेयर कौन है, आपका बैट्समैन फेवरेट कौन है, बॉलर कौन है, और कौन इस आईपीएल को जीतेगी। चलिए अंदाज़ा लगाते हैं कि कौन आईपीएल जीतेगा 2018 का। तो धन्यवाद दोस्तों, शुक्रिया आपका अपना बहुत बहुत समय देने के लिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हम इसी तरह रोजाना आपके लिए नई नई वीडियो स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अच्छी अच्छी लाते रहते हैं। तो सब्सक्राइब हियर, सब्सक्राइब नाउ एंड हिट द बेल आइकन राइट नाउ। थैंक यू।